इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमको एनालिटिक फंक्शन की जो पिक्चर है थोड़ी और क्लियर होगी। तो एफजेड हमारे पास एक फंक्शन है अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन इवन दो कॉशी रेमन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कॉशी रेमन इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। यू एक्स डिनोट्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफजेड हमारे पास एक फंक्शन है अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो यू हमारा जो है ये किसका फंक्शन है, यू ऑफ एक्स वाई, और वी भी जो हमारा है एक्स वाई का फंक्शन है। तो यू एक्स वाई की वैल्यू जो है ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई और वी एक्स वाई हमारा जीरो हो जाएगा। तो कॉशी रीमन का जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन की जो कंडीशन होती है दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, उसमें दो चीजें आती है। नेसेसरी कंडीशन में आती है कि कॉशी रीमन कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो, होनी ही चाहिए। अगर कॉशी रीमन कंडीशन फेल हो जाए तो वहीं पर हम कंक्लूड कर देंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। लेकिन सफिशियंट कंडीशन में एक चीज और ऐड हो जाती है कि कॉशी रीमन कंडीशन सेटिस्फाई हो और जो पार्शियल डेरिवेटिव हो, यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यू का भी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए। जो भी पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, वो हमारा सफिशियंट कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि एक तो पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लें इससे और उनको ये शो करें कि वो कंटिन्यूअस है, तो हमारी सफिशियंट कंडीशन हो जाएगी। और अगर कॉशी रीमन इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो तो उसको हम उस केस में हम कहेंगे कि नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आएगी वो देखते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी हमारा टर्म जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई एक्स इट विल गिव यू जीरो। इन द सिमिलर वे डेल यू ओवर डेल वाई हम लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू ऑफ जीरो वाई माइनस यू जीरो जीरो डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू जीरो। इसी तरह से हमने पार्शियल डेरिवेटिव, चारों पार्शियल डेरिवेटिव हमारे जीरो आएंगे बिकॉज वी जीरो वाई यू एक्स जीरो यू वाई जीरो यू जीरो वाई वी एक्स जीरो वी जीरो वाई, ये सारे जीरो हैं, वी जीरो जीरो ऑलरेडी जीरो। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया और इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये हमारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यू एक्स इक्वल टू वी वाई है और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स है। कहां पर, ओरिजिन पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस पॉइंट पे देख रहा है। फिर उसके बाद अगर हमारी एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एफ डैश जीरो की डेफिनेशन लगाई, लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई z माइनस जीरो। तो हमारा फंक्शन जो रिड्यूस होगा, तो इस लिमिट को z टेंस टू जीरो को हम कर सकते हैं एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो। अब आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के हम लिमिट कैसे चेक करते हैं, तो हम पाथ देखते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट हमने पाथ देखा y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि एज x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो पे हमारा z जो होगा जीरो होगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो लिमिट z टेंस टू जीरो को चेक करने के लिए हमें y इक्वल टू एम एक्स को सब्सिट्यूट करना होगा। तो जब y इक्वल टू एम एक्स को हम सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या आएगा, मान लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो है f ऑफ एक्स वाई क्या है, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई। तो अगर y इक्वल टू हमने एम एक्स रखा तो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई टाइम्स एम एक्स। इससे हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है उसका अंडर रूट होगा तो एक्स आ जाएगा और अंडर रूट में आएगा मॉडुलस एम लिख लिया या एम भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई नीचे एक्स हमारा कॉमन है तो वन प्लस आई एम हो गया। इसका मतलब एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। तो ये जो फंक्शन आपका दे रहा है, ये जो फंक्शन है वो आपको वैल्यूज हर m के लिए अलग अलग देगा, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि हमारा f डैश जो जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब ये कैसा फंक्शन है जो एनालिटिक, तो एनालिटिक अगर है लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इज इट नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया एक तरह से कंडीशन का, जो हमारी एनालिटिसिटी की कंडीशन है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो डेरिवेटिव हमें मिलना चाहिए, तो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा। तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक बट कॉशी रीमन इक्वेशन, कॉशी रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट हमारा नहीं किया, हालांकि कॉशी रीमन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है।